कोई विधान पार्षद क्या कहता है, हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बढ़ाई की है और जो 1,00,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार का जब बजट आएगा तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेंगे। और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं और इसके कितने ज्यादा लाभ ले सके, खास करके उद्योगों में बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो सहयोगी दल बने थे, हमने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के साथ काम किया था और जिन नौकरियों का हम लोगों ने वादा किया है वह केवल उद्योगों के द्वारा ही संभव है और इसलिए बिहार को औद्योगिकरण की दिशा में यह बजट भी पूरे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इसमें किसी भी प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है, आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए, क्योंकि यह योजना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए है और जो हमारा शेयर होता है केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद, हमसे ज्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दें। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़े और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जो बजट आएगा वह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।